नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ आदि किसी भी राज्य के अध्यापक तथा हिंदी साहित्य से संबंधी कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको अवश्य देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलें, तथा हमारे वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आपका अधिक समय न लेते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों नामक पाठ से हमने कुल 70 प्रश्न हल कर लिए थे। दोस्तों, हम इन 70 प्रश्नों के बाद हम अगले प्रश्न को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, आदिकाल में पहेलियों एवं मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन हैं? प्रश्न है, आदिकाल में पहेलियों एवं मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा अमीर खुसरो। इन्होंने आदिकाल में पहेलियों एवं मुकरियों की रचना की है। दोस्तों, इसके अलावा इनकी एक और रचना है, इनकी रचना है खालिक बरी, और इनका वास्तविक नाम है अब्बुल हसन। और स्वयंभू की बात की जाए तो इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, और इनको रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। चलिए दोस्तों, इसके आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। दोस्तों, है पंक्ति है, जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। पंक्ति प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो दी गई पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो की ये पंक्ति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या इस प्रकार है, उपर्युक्त काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्बुल हसन है। खुसरो शुकन इनकी उपाधि है। इनके उपनाम है जो कि इस प्रकार है, तुर्क ए अल्लाह, तोता ए हिंद, इनके इत्यादि उपनाम है। चलिए इनके अन्य फैक्ट देख लेते हैं। रचनाएं दी गई हैं जो कि खालिक बारी जो कि फारसी अरबी और हिंदी का कोश है। खालिक बारी में दोस्तों फारसी अरबी और हिंदी का कोश है। और इनकी दूसरी रचना है नूह सिपहर, यानी कि सिपहर। और तीसरी रचना है आशिक, और चौथी आवास ए खुसरवी। चलिए इनके बारे में और देखते हैं। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने इन्हें कवियों में राजकुमार कहते हैं। अगला फैक्ट देख लेते हैं। इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का शासनकाल देखा है। इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का शासनकाल देखा है। तोता ए हिंद इन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। इन्हें खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाला कवि माना जाता है। इनके बारे में और देख लेते हैं। आदिकाल में पहेलियाँ मुकरियाँ दो सुखने या सकूने लिखने का श्रेय इन्हें ही जाता है। दोस्तों, सबसे पहले पहेलियाँ मुकरियाँ दो सुखने लिखने का श्रेय इन्हें ही जाता है। अगला फैक्ट है दोस्तों, पंक्ति है मोरा जमुना नवेला भयो गुलाल इनकी काव्य पंक्ति है, कथन है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। देख लेते हैं।
इन्होंने अपने बारे में कहा, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। एक बार फिर से देख लेते हैं, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। चलिए अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है? अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है? दोस्तों इनका समय था आदिकाल, ये आदिकाल से संबंधित है। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न है 74, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपासक थे, ये पंक्ति किसकी है? खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपासक थे, ये किसकी उक्ति है? दोस्तों ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, इन्होंने ही माना था खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपासक थे, ये उक्ति रामचंद्र शुक्ल की है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, व्याख्या इस प्रकार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपासक थे। शुक्ल जी के अन्य कथन हैं, उन्हीं के बारे में देख लेते हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। अगला फैक्ट, खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं, इनमें उक्त वैचित्र की प्रधानता थी, यद्यपि रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं, इनमें उक्त वैचित्र की प्रधानता थी, यद्यपि रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 75, देख लेते हैं, निम्न में से कौन शिला अंकित कृति है? दोस्तों ये प्रश्न है, निम्न में से कौन शिला अंकित कृति है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प बी, राहुल बेल जो कि रोड़ा कवि की रचना है और ये गद्य और पद्य दोनों में पाई जाती है, जिसे गद्य और पद्य को चंपू काव्य कहा जाता है। दोस्तों पाहुण दोहा राम सिंह की रचना है। चलिए इसके आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या है, शिलांकृतिक कृति राहुल बेल है, ये गद्य पद मिश्रित चंपूकाव्य है। चंपूकाव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है, इनकी रचना राहुल नायिका के नक्षिक वर्णन प्रसंग में हुई है। आरंभ में कवि ने राहुल के सौंदर्य का वर्णन पद में किया और फिर गद्य का प्रयोग किया गया। इस कृति के रचयिता रोड़ा नामक कवि को माना जाता है। राहुल बेल से हिंदी में नक्षिक वर्णन का श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इस भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। दोस्तों इसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी प्रधान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राहुल बेल किस तरह की रचना है? दोस्तों ये राहुल बेल रोड़ा कवि की रचना है, जो कि पहले भी आप सभी देख चुके हैं, और इसमें ये गद्य और पद्य दोनों में मिश्रित है, जिसे गद्य और पद्य को चंपूकाव्य कहा जाता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प ए, गद्य पद्य मिश्रित चंपू, विकल्प ए सही है। प्रश्न है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्षिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्षिक वर्णन से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प बी, राहुल बेली जो कि रोड़ा कवि की गद्य पद मिश्रित चंपूकाव्य है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी सही है, राहुल बेल। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, राहुल बेल
रोड़ा कवि द्वारा रचित आदिकालीन चंपू काव्य है जो शिलांकृत, दोस्तों शिलांकृत कृति है। इस प्रेम का काव्य में कलचुरी राजवंश की सात नायिकाओं के नैक्षिक वर्णन मिलते हैं। इस कृति की नायिका राहुल बेल है। रामचंद्र तिवारी इसकी भाषा को मध्यदेशी मानते हैं। इसे हिंदी में नैक्षिक परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और देखने से पहले लाइक कर लिया करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लिया करें क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे आप सभी डेली आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करें, जिससे आप सभी रोज़ देख सकें। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है 78। कुबलय माला कथा के लेखक हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी उद्योतन सूर्य। कुबलय माला कथा के लेखक हैं उद्योतन सूर्य। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कुबलय माला कथा आदिकालीन गद्य साहित्य है जिसके लेखक उद्योतन सूर्य हैं। कुबलय माला कथा आजकालीन गद्य साहित्य है जिसके लेखक उद्योतन सूरी है। चलिए इसके अन्य फैक्ट देख लेते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की है, जो कि ये व्याकरण ग्रंथ है दोस्तों, और वर्ण रत्नाकर है दोस्तों, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। राहुल बेल इसके पहले आप सभी पढ़ चुके हैं, जो कि ये चंपू काव्य है और शिलांकृति रचना है, और ये राहुल बेल रोड़ा कवि की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? दोस्तों दामोदर शर्मा की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि ये एक व्याकरण ग्रंथ है, और राहुल बेल अभी पढ़ चुके हैं, शिलांकृति कवि है, रोड़ा कवि की है, और वर्ण रत्नाकर अभी देख चुके हैं, ज्योतिश्वर ठाकुर की है, और कुबलय माला जो कि इसके रचनाकार हैं उद्योतन सूर्य। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या इस प्रकार है। उक्त व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। दोस्तों इस पुस्तक की रचना दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में की थी। चलिए आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना के बारे में कहा है, जो कि इस प्रकार है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था, ये भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर, जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर की है, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये ग्रंथ है दोस्तों, ये एक व्याकरण ग्रंथ है, जो कि इसके रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी व्याकरण सही है। प्रश्न है 81। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? दोस्तों इसके रचनाकार दामोदर शर्मा है, विकल्प बी सही है, और ये व्याकरण ग्रंथ है।
रोड़ा कवि की रचना आप सभी देख ही चुके हैं, इनकी रचना है राउल वेल और ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी सही है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो जो कि इसके रचनाकार है दामोदर शर्मा, अतः विकल्प सी सही है। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी सही है। यदि हम कीर्ति पताका की बात की जाए तो ये अवहट भाषा में रचित महाकवि विद्यापति की रचना है और इनकी और रचना है कीर्ति पताका और कीर्ति लता, ये दोनों अवहट भाषा में है और पदावली विद्यापति की मैथिली भाषा में है। चलिए और चर्यापद की बात की जाए तो सिद्धों में प्रमुख कवि सरहपा के शिष्य सबरपा की रचना है चर्यापद। सबरपा जो कि सिद्ध कवि सरहपा जो कि हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनको राहुल शंकरत्याय ने हिंदी का प्रथम कवि माना है और सरहपा के शिष्य थे सबरपा और सबरपा की ये रचना चर्यापद है। और वर्ण रत्नाकर की बात की जाए तो इस रचना के रचनाकार हैं ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। चलिए अतः प्रश्न 82 का उत्तर है उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कि दामोदर शर्मा की व्याकरण रचना है। चलिए इनमें से कौन सी आदिकाल की है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल है, दोस्तों आदिकाल की भाषा डिंगल पिंगल है। और मध्यकाल की बात की जाए तो अधिकतर मध्यकाल में ब्रज भाषा और अवधि प्रमुख थी, इन्हीं भाषाओं में बोलियों में रचनाएं रची जाती थी। खड़ी बोली तो आधुनिक काल में प्रयोग की जाती थी। तो दोस्तों 83 प्रश्न संख्या 83 का उत्तर होगा आदिकाल की भाषा डिंगल पिंगल थी। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, व्याख्या इस प्रकार है आदिकाल की भाषा मुख्यतः अपभ्रंश रही है, इसी अपभ्रंश की निम्न विभिन्न शैलियों से हिंदी की विभिन्न बोलियों तथा भाषाओं का विकास होता है, ऊपर युक्त विकल्पों में से डिंगल पिंगल आदिकालीन भाषा रही है जो क्रमशः राजस्थानी और ब्रज भाषा से मिलती जुलती है। हिंदी चारण कवियों की भाषा या रासों साहित्य की भाषा मुख्यतः डिंगल रही है। डॉक्टर नगेन अपने संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में इसे शैली मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है, दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी रासो साहित्य सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, दोस्तों व्याख्या जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि इनसे भी प्रश्न बन जाते हैं परीक्षा में, इसलिए प्रश्न की व्याख्या को जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। जॉर्ज गियर्सन एवं रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया था। दोस्तों सबसे पहले चारण काल जॉर्ज गियर्सन ने कहा था, उसके बाद रामकुमार वर्मा ने भी चारण काल नाम दिया है, इसके अलावा इन्होंने संधिकाल भी कहा था। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं, इस काल में राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों एवं गाथाओं का वर्णन करते। दोस्तों राजाश्रित कवि से तात्पर्य है उस समय कवि अधिकतर राजाओं के आश्रय में रहते थे और जिनके आश्रय में रहते थे उन्हीं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते हैं। यही प्रबंध परंपरा रासो के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। दोस्तों वीर गाथा काल
रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। चलिए, रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। इनमें प्रमुख विजयपाल रासो जो कि नल सिंह की रचना है, हमीर रासो जो कि हमीर रासो सारंगधर कृत या सारंगधर कृत है, और खुमाण रासो की बात की जाए तो दलपत विजय की रचना है, बीसलदेव नरपत नाल की रचना है, पृथ्वीराज रासो चंदादाई की रचना है। इनको हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। परमाल रासो ये दोस्तों जगनिक की रचना है, और इन परमाल रासो का दूसरा नाम आलाखंड भी है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, व्याख्या और है इसमें देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है, जिनमें सरहपा, शबरपा, लुईपा, बिरूपा, डोम्बिपा, कणहपा, कुकरिप्पा आदि सिद्ध कवि हैं। दोस्तों 84 सिद्धों में ये प्रमुख सिद्ध कवि हैं। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। नाथपंथी योगी अलख जगाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठ योग संबंधी ग्रंथ घेरंड संहिता और शिव संहिता है। अगला फैक्ट है, गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ। दोस्तों गोरखनाथ की कृतियाँ इस प्रकार है, हठ योग, गोरक्षनाथ, ज्ञानामृत और गोरक्षकल्प है। एक बार फिर से देखते हैं, हठ योग, गोरक्षनाथ, ज्ञानामृत और गोरक्षकल्प है। अगला फैक्ट, जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है। दोस्तों बिरूपा तो हैं, कणहपा भी हैं, कुकरिप्पा भी हैं। दोस्तों अधिकतर जिन जिन नामों के अंत में पापा लगा रहता है वो सिद्धों में सिद्ध से संबंधित कवि होते हैं। तो अतः इस प्रश्न का उत्तर है सारंगधर, जो कि इनकी रचना है। सारंगधर की रचना है वर्ण रत्नाकर है। तो इस प्रश्न में 84 सिद्धों में सारंगधर नहीं पाए जाते हैं। चलिए प्रश्न है, 86 सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है और नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। अतः इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प ए 84 सही है। 87 क्वेश्चन, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था। दोस्तों देख लेते हैं, निर्गुण की उपासना जो कि भक्ति काल में लिखा जा रहा था, और कृष्ण भक्ति की पर आधारित ये भी भक्तकालीन कृष्ण काव्यधारा के कवियों द्वारा अधिकतर लिखा जाता था, और विकल्प ए की बात की जाए तो जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन करना। दोस्तों उन्हीं की आश्रय में रहते थे कवि, तो उन्हीं की बातों को अधिकतर लिखा करते थे। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए सही है। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे जाते थे। दोस्तों रासो ग्रंथ डिंगल पिंगल भाषा में लिखे जाते थे। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। रासो ग्रंथों में भाषा के रूप में डिंगल पिंगल का प्रयोग किया गया है। डिंगल जहाँ राजस्थानी के निकट है, वहीं पिंगल ब्रज भाषा के निकट है। रासो साहित्य श्रृंगार और वीर रस युक्त है। दोस्तों उस समय श्रृंगार और वीर रस का प्रयोग ज़्यादा होता था, जिसके लिए डिंगल पिंगल भाषा अनुकूल थी। आदिकाल में मुख्यतः अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया जाता था, जो कालांतर में विभिन्न शैलियों, बोलियों व भाषाओं में परिवर्तित होकर आधुनिक हिंदी में देखी जा रही। निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी कालक्रमानुसार सही है। दोस्तों इसमें सबसे पहले बीसलदेव की
ईसल देव रासो जो कि नरपत नाल की रचना है, पृथ्वी राज रासो जो कि चंदनदाई की रचना है, हमीर रासो सारंगधर की रचना है, अकुमार रासो है दलपत पीछे की रचना। तो ऑप्शन ए विकल्प विकल्प ए सही है। बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, कुमार रासो ये कालक्रमानुसार सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प एक कालक्रमानुसार सही है। बीसल देव रासो की रचयिता नरपत नाल है, पृथ्वीराज रासो की रचयिता चंद्रदाई है, हमीर रासो की रचयिता है सारंगधर, और कुमार रासो की रचयिता है दलपत पिचय। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंद्रदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकवि उनकी रचना को दोस्तों उनको प्रथम महाकवि तथा उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य मानते थे। कौन? रामचंद्र शुक्ल। इस बंधुओं ने हिंदी का प्रथम वास्तविक महाकवि चंद्रदाई को ही माना है। रामचंद्र शुक्ल के अलावा मिस बंधुओं ने भी चंद्रदाई को महाकवि माना है प्रथम। चलिए, वीरगाथा कालीन रासों का काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं होता था? दोस्तों देख लेते हैं। विकल्प आश्रय दाताओं का रंजित वर्णन, अति रंजनापूर्ण वर्णन ये तो होता था उस समय दोस्तों, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण दोस्तों उस समय भी होता था, ये भी होता था। कृष्ण लीला का प्रतिपादन दोस्तों ये नहीं होता था, ये तो आदिकालीन दोस्तों आदिकालीन प्रवृत्ति नहीं है दोस्तों, ये तो भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। अतः विकल्प सी सही है। कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं होता था उस समय, और उस समय युद्धों का सजीव वर्णन और गत्यात्मक वर्णन होता था। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वीरगाथा कालीन रासो काव्य में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया जाता था। इन काव्य में आश्रयदाताओं का अति रंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण तथा युद्धों का सजीव गत्यात्मक वर्णन पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? उपदेश रसायन के रचनाकार हैं, उपदेश रसायन के रचनाकार हैं, विकल्प डी सही है। इसमें जिन दत्त सूर की रचना है उपदेश रसायन, जिन दत्त सूर की रचना है उपदेश रसायन। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। उपदेश रसायन आदिकालीन जिन दत्त सूर द्वारा रचित रासो काव्य परंपरा का ग्रंथ है जो अपभ्रंश भाषा में बद्ध है। ये ग्रंथ गीत नृत्य परक धारा का रासो ग्रंथ है दोस्तों, इसमें गीत और नृत्य पाए जाते हैं। इसके और फैक्ट देख लेते हैं। भारतेश्वर बाहुबली की रचना है, भारतेश्वर बाहुबली की रचना है शालीभद्र सूरि बुद्धिराज, ये है दोस्तों भारतेश्वर बाहुबली रास। इसके रचनाकार हैं शालीभद्र सूरि और बुद्धिराज की रचनाकार हैं ये भी, इनकी भी इनके भी रचनाकार शालभद्र सूरि हैं, और पेथट रास के रचनाकार हैं मंडलिक, और जीवदया रास के रचनाकार हैं आशुक। एक बार फिर से देख लेते हैं। भारतेश्वर बाहुबली के रचनाकार हैं शालभद्र सूरि, बुद्धिरास के रचनाकार हैं शालभद्र सूरि, और पेथट रास के रचनाकार हैं मंडलिक, जीवदया रास के रचनाकार हैं आशुक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी कालखंड को गियासन ने क्या नाम दिया था? दोस्तों 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को गियासन ने चारण काल नाम दिया था, जो कि बाद में रामकुमार वर्मा जी ने भी स्वीकार किया था, और उन्होंने आदिकाल को संधिकाल भी नाम दिया था। और जहाँ तक प्रारंभिक काल की बात की जाए तो गणपत चंद गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और डेली देखना चाहते हैं हमारे वीडियो दोस्तों, हमने हिंदी साहित्य का इतिहास सरस्वती गोविंद पांडे की पुस्तक भी पढ़ी है, और
अगर उसको भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के एग्जाम फाइट में दिया गया है। के एग्जाम फाइट डालेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी, जिसको जिसमें विजिट करके आप देख सकते हैं। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को सर जॉन जॉन जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। वे इसका प्रारंभ 640 ईस्वी के आसपास स्वीकार किया है। दोस्तों नोट है, देख लेते हैं। अधिकतर विद्वानों की कृतियों में ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी उद्धृत मिलता है, जिसे उन्होंने चारण काल कहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में 700 से 1400 ईस्वी दिया गया है। प्रश्न है, बीसल देवरासों में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? बीसल देवरासों में दोस्तों ये गे का बीसल देवरासों में गे शैली का प्रयोग किया जाता है। गे शैली का इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। बीसल देवरासों मुख्यतः गे काव्य था, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा। यह प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ की रचना नरपत नाल ने 1155 ईस्वी में की थी। बीसल देवरासो आदिकाल की एक सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति है। बीसल देवरासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता है। विद्यापति से होती हुई परंपरा भक्ति काल में प्रेमा खाना काव्य तक पहुंची, कृष्ण भक्तों को प्रभावित किया। रीत काल में जाकर इसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। बीसल देवरासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला बारहमासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। दोस्तों बारहमासा इसमें सबसे पहले मिलता है। चलिए अगला प्रश्न, बीसल देवरासों के रचनाकार कौन है? बीसल देवरासों के रचनाकार नरपत नाल हैं और चंदरदाई की रचनाकार है, सॉरी दोस्तों चंदरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो और जगनिक की रचना है परमाल रासो। जगनिक की रचना है परमाल रासो, जो कि परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न है, बीसल देव रासो में बीसल देव की पत्नी कौन है, मतलब इनकी पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों बीसल देव रासो में बीसल देव की पत्नी का नाम राजमती था। इनकी पत्नी का नाम राजमती था। बीसल देव रासो की रचयिता है, बीसल देव रासो की रचयिता है विकल्प सी नरपत नाल सही है, विकल्प सी। चंदरदाई की रचयिता है दोस्तों, चंदरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो और जगनिक की रचना है दोस्तों परमाल रासो, जो कि इसको आलाखंड से के नाम से भी जानते हैं। और स्वयंभू की बात की जाए तो इन्हें अपभ्रंश का प्रथम कवि माना जाता है, और इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, और राम कुमार वर्मा ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। और दोस्तों स्वयंभू का समय है 783 ईस्वी। प्रश्न है, बीसल देव रासो की रचयिता कौन है? बीसल देव के रासो की रचयिता विकल्प बी सही है, नरपत नाल। बीसल देव रासो की रचयिता है नरपत नाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? दोस्तों इसमें सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन भी मिलता है दोस्तों, ये है बीसल देव रासो, इसमें सही होगा बीसल देव रासो, जो कि इसके रचनाकार है नरपत नाल। इसमें सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन भी मिलता है और ये प्रेम काव्य और श्रृंगार काव्य है। प्रश्न 99, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस में ना होकर श्रृंगार रस में है?
प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस में न होकर श्रृंगार रस में है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी विशाल देव रासो और कुमार रासो। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी विशाल देव रासो और कुमार रासो। दोस्तों है दलपत विजय की रचना और पृथ्वीराज रासो है चंद्रदाय की रचना, परमाल रासो है जगने की रचना। परमाल रासो को दोस्तों परमाल रासो को आलाकन के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न, राजमती से रूट कर विशाल देव कहाँ गया था। राजमती से रूट कर विशाल देव दोस्तों उड़ीसा गए थे। विशाल देव कहाँ गए थे, उड़ीसा गए थे। इस प्रश्न का उत्तर डी सही है।